जल्दी आने। देखिए आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जो लोग वास्तु का कोर्स कर रहे हैं, एडवांस मिरेकल वास्तु का जो कोर्स कर रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत खुशी का और हर्ष का विषय है कि आज हम लोगों ने उस कोर्स को कंप्लीट किया है। और जो हमारे एक्सपर्ट टीचर मिस्टर कहल हैं, उन्होंने इस कोर्स को पूरा करवाया है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया और सभी स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया है। वैसे तो एस्ट्रो पाठशाला इस चीज के लिए जानी जाती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को द बेस्ट देता है। और उसमें जो स्टूडेंट हैं उन्हीं की डिमांड थी कि आज एक समापन कार्यवाही अच्छे ढंग से हो, तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा सेशन बुलाएं जिसमें हमारे सभी स्टूडेंट शामिल हो सकें और उसमें कुछ ऐसा बताया जाए जिसमें ज्योतिष वास्तु का एक अच्छा मिश्रण हो, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में चीजों को समझने में आपको और आसान हो जाए। ऐसा हम ये सेशन बुलाना चाह रहे थे। तो परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम लोग फिर से मिले हैं। आप लोग अलग अलग ग्रुप में अलग अलग प्रकार के कोर्स को कर रहे हैं। आज बड़ा ही आसान विषय मैंने लिया है वैसे तो, और मुझे उम्मीद है उसमें से काफी हद तक कमल जी ने जो एडवांस वास्तु का कोर्स किए हैं, उसमें आप सभी को काफी कुछ मालूम होगा। पर ये एक बार रिपीट हो जाए और वास्तु और ज्योतिष का आपस में क्या मिलन है वो थोड़ा सा मालूम लग जाए, ये हमारा एक प्रयास इस सेशन के माध्यम से। देखिए जो लोग कैमरे बंद करके जा रहे हैं तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कैमरे बंद कर रहे हैं उनको सिर्फ सुनना है, और सुनने के लिए मेरा मानना ये है कि फिर YouTube इज अवेलेबल। वो लोग जाएं YouTube पर और वहां पर बहुत मटेरियल है, बहुत अच्छे अच्छे वहां पे ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत अच्छे अच्छे वास्तु विशेषज्ञ हैं, और उन्हें वहां पर जा करके ये कार्य करना चाहिए। मेरा अपनी ऐसी सोच है, क्योंकि मैं उन लोगों को जानना चाहता हूं जो लोग हमसे कभी जुड़े हैं। और मेरा ये भी मानना है कि जब तक इंटरेक्शन नहीं होता आप लोग सीख नहीं पाते। जो आपका टीचर है, जो आपको कुछ दे रहा है या देने का प्रयास कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि यू आर अवॉइडिंग योर टीचर। सीधी सी बात है। मैं बहुत ही ट्रेडिशनली पढ़ाता हूँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इस चीज को। और ये टेक्निकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सभी को पढ़ाया जा रहा है, और ये जो टेक्निक है इंटरनेट की, ये वैसे ही राहु है जिसको मैं अक्सर कहता हूं। अब यहीं से शुरुआत करते हैं, राहु से ही हम क्यों ना शुरुआत करें। और राहु का वास कौन सी दिशा में है? आप लोग मुझे बताएं ताकि हमें पता चले वास्तु में राहु। और ये नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग। आज मैं जो करवाने जा रहा हूं वो काल चक्र और दिक चक्र को मैं करवाने जा रहा हूं कि आपको रेमेडी पता लगे आसान तरीके से,
कमल जी ने जो आपको रेमेडी बताई है वो तो एक अलग विषय है। आपको ऑटोमेटिक इस चक्र के माध्यम से ये पता लग जाए कि हमें रेमेडी क्या करनी है, ये बहुत आसान है पर लोगों को समझ में कई बार नहीं आता है और कई बार इस चक्र के बारे में लोग जानते ही नहीं है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी आज ये फील करेंगे कि इन्होंने कुछ नया सीखा है। राहु कौन सी दिशा में वास करता है वास्तु के अनुसार? वास्तु के स्टूडेंट्स इस चीज को थोड़ा बताएं जो एडवांस मिरेकल वास्तु में थे। अभी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जहां पर राहु वास करता है, पर ये राहु तो ग्रह का नाम है। यहां पर एक्चुअल में वास जो है या जो देवता जो है यहां पर वो कौन है? वो राक्षस है। अब राक्षस किसे कहा जाता है? राक्षस शब्द है जिसे देखते ही हमें रक्षा याद आ जाए कि हमें अपनी सेफ्टी की पड़ जाए कि भाई भागो राक्षस आ गया। राक्षस में उस तरह का दया भावनाएं नहीं होती हैं और इसलिए ये दिशा को हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं साउथ वेस्ट, खास करके घर की फेसिंग को लेकर के ये दिशा वास्तव में अच्छी नहीं है क्योंकि यहां पर राहु ग्रह है और जो देवता है वो राक्षस है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस दिशा की रेमेडी किससे की जाए? तो सिंपल सी बात है कि जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि लोहे को लोहा काटता है, पर ये सूत्र हमारा वास्तु में नहीं लगता। हमारे यहाँ का जो सूत्र है और ज्योतिष का जो सूत्र है वो ये कहता है जो अपोजिट प्लेनेट होता है वो आपके नेगेटिविटी को काटने बहुत बहुत मददगार सिद्ध होता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन और पेपर लें और उस पर 8 दिशाएं बनाएं, पूर्व पश्चिम दक्षिण, इसको आप बिल्कुल बना लें। और जिन लोगों ने वास्तु पढ़ा है, ज्योतिष विद्यार्थी भी इस बड़ी आसानी से पहले आप लोग पूर्व पश्चिम, और नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने घर में आपको दिशाएं जरूर मालूम है। आपके घर का सूर्यदेव आपको मालूम है कि सूर्यदेव किस दिशा से हो रहा है, बस उसी दिशा को बिल्कुल जो जहां से सूर्यदेव हो रहा है उस दिशा को आपने पूर्व दिशा लेना है। उसके अपोजिट में वेस्ट डायरेक्शन है, उसके राइट और लेफ्ट में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। इतना आप सभी बड़े आराम से जानते हैं। अब उसकी जो बीच की डायरेक्शन आएंगी वो मैं खुद से समझाऊंगा कि वो दिशा कौन सी दिशा है, उसे क्या कहते हैं, वहां पर कौन वास करता है, कौन वहां का देवता है और उसका अपोजिट प्लेनेट कौन है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी ने वो बना लिया होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट आपके ज्योतिष में भी काम आएगा और ये कंसेप्ट आपके घर के वास्तु को ठीक करने में भी बहुत बहुत मददगार सिद्ध होगा।
आप वास्तु सीखते हैं, आप दिशाओं को सीखते हैं, दिशाओं की शक्तियों को सीखते हैं, पर जब तक आप डेप्थ में नहीं जाएंगे आपको रियल वास्तु नहीं आएगा। और रियल वास्तु हर इंसान के हिसाब से अलग होता है, आप ये सब जानते हैं। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल वास्तु बिल्कुल डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं कि जो थंब रूल के अनुसार ही वास्तु चले। अब थंब रूल तो सभी को रटे पड़े कि ईशान दिशा में मंदिर बना लो, अग्नि कोण में रसोई बना लो, फलानी दिशा में ये कर लो, ये एक थंब रूल की तरह लिखे गए सूत्र हैं। पर समस्या ऐसी है कि हमें वास्तु के अनुसार प्लॉट मिलता ही नहीं। उससे भी बड़ी समस्या ये है कि अगर हम बने बनाए मकान लें तो वहां इससे भी बड़ी समस्या आती है, और उससे बड़ी समस्या फ्लैट सिस्टम में है, क्योंकि फ्लैट के डिजाइन को बनाने के लिए कॉर्नर्स काट दिए जाते हैं, मेन दिशाएं ही काट दी जाती है, कॉलम बनाने के चक्कर में वहां से दिशा कट हो जाती है। और वास्तु में दिशाओं का कट जाना यानी कि कॉर्नर्स का कट जाना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। आपने पूरे एक प्लेनेट को, एक देवता को और उसकी रक्षा करने वाले दिक्पाल को अपने घर से हटा दिया। दिक्पाल कौन होता है? दिक्पाल का मतलब होता है जो आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ रक्षक। ये जो लोग मंत्र शास्त्र जानते हैं उन्हें मालूम है कि दिक्पाल कौन होता है। जब भी हमारे यहां पर घर में हवन होता है तो एक दिक्पाल के लिए भोजन की व्यवस्था अलग से की जाती है। पापड़ वगैरह रख करके काले उड़द डालते हैं, तेल का दिया जलाते हैं, उस पर सिंदूर लगाते हैं, उस पर भोग लगाया जाता है और दिया जला करके दिक्पाल को भोजन दिया जाता है हवन के बाद। इसे दिक्पाल का भोजन कहते हैं कि दिक्पाल हमारे घर की रक्षा करता है, पूरे घर की रक्षा करता है। पर वास्तु में जो कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट है कि हर दिशा का एक दिक्पाल देवता होता है, और यही दिक्पाल देवता हमारे उस दिशा की रक्षा करता है। तो हमें अपने रक्षक को पहचानना है कि हमारा इस दिशा का रक्षक कौन है और हमारे इस दिशा में प्रॉब्लम पैदा करने वाला कौन है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम पैदा करने वाले को तो बड़ा सीख लेते हैं कि अच्छा अच्छा इस दिशा का ये मामला है, अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, पर उसको काटने वाला यानी कि उसको समाप्त करने वाला कैसे आएगा यहाँ पर, उसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए, वो सूत्र उन्हें कई बार नहीं पता होता। मैं मानता हूं ये सूत्र जो हैं ज्योतिष से उपजे हुए सूत्र हैं, और ज्योतिष और वास्तु वेल कनेक्टेड है। पर यहां पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, वास्तु अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, ज्योतिष उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। ज्योतिष वास्तु के लिए एक इनपुट देता है। व्यवस्था तो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले ज्योतिषाचार्य आपके ग्रह देख करके आपकी बेस्ट डायरेक्शन को निकाले और उस बेस्ट डायरेक्शन का एक इनपुट वास्तुशास्त्री को दे। वास्तुशास्त्री फिर उस दिशा के अनुसार आपके घर में के बाकी सब व्यवस्थाएं करे और आपको समझाए। फिर वास्तुशास्त्री से आर्किटेक्ट तक पहुंचना चाहिए। पर हमारे देश में हमेशा उल्टा होता है, पहले व्यक्ति आर्किटेक्ट के पास जाता है,
फिर वास्तुशास्त्री के पास जाता है और एंड लास्ट में ज्योतिषाचार्य के पास आता है। जब तक ज्योतिषाचार्य के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बहुत कुछ वहां पर व्यवस्था हो चुकी होती है। अब ज्योतिषाचार्य उसके हिसाब से दिशाएं सेट करता है, ग्रह सेट करता है, वो किसी काम के नहीं होते, क्योंकि वो उस हिसाब से बने नहीं होते। मार्केट में बहुत सारे वास्तुशास्त्री ऐसे भी होते हैं जो केवल थंब रूल को याद करते हैं और ये मान के बैठ जाते हैं कि अब हमें पता लग गया व्हाट इज अ वास्तु। उन्हें पता लग गया कि व्हाट इज अ वास्तु, वो वास्तु का मीनिंग बस इतना समझते हैं कि हमें पता है किचन अग्नि कोण में होनी चाहिए और बेडरूम फलानी दिशा में होना चाहिए। इतना उन्हें पता लग गया वो वास्तु। पर वास्तु की डेफिनेशन क्या है? इसके कई डेफिनेशन है। वास्तु मैंने हमारे बसने का स्थान, जिस स्थान पर हम लोग बसते हैं। पर क्या मैं आप लोगों से पूछता हूं, मकान क्या हम अपने लिए बनाते हैं? अगर थोड़े गहराई में सोचें आप लोग, तो मकान वास्तव में हम अपने लिए नहीं बनाते। हम मकान बनाते हैं अपनी पीढ़ियों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए हम मकान बनाते हैं। मकान बनाते हैं हम बच्चों के लिए। माँ बाप क्या कहते हैं, यार 2 मंजिल का बना देंगे, छोटा नीचे रह लेगा, बड़ा ऊपर रह लेगा, हम इस तरीके से व्यवस्था करते हैं। 3 भाई है तो 3 मंजिल बना लो, फलाना इस मंजिल में रह जाएगा, ये इस मंजिल में रह जाएगा। पर माता पिता कभी ये नहीं कहते कि मैं कौन सी मंजिल में रह जाऊंगा। हर माता पिता किसी भी एज में होगा, उसके जितने बच्चे होंगे वो उन बच्चों की सबसे ज्यादा परवाह करता है और उसी हिसाब से अपने घर को डिजाइन करता है। और माना यह जाता है कि एक घर ये मान के बनाया जाता है कम से कम 100 वर्षों तक तो ये खड़ा रहेगा। ये ऐसी हमारी कल्पना है भारतीयों की, और होता भी यही था पहले। 500 साल पुरानी भी आपको बिल्डिंगें मिल जाएंगी आज भी हमारे देश में। जितना बड़ा उसका स्टेटस, उसी हिसाब से व्यक्ति अपना मकान को तैयार करता है। जब भी आप वास्तु के कोर्स में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपको 5 तत्व समझाए जाते हैं, परंतु जब ज्योतिष में आप एंट्री लेते हैं उस समय भी आपको 5 तत्व ही समझाए जाते हैं। इवन आप पामिस्ट्री में जब एंट्री लेते हैं वहां पर भी 5 तत्व ही समझाए जाते हैं। यानी कि हमारे जीवन में 5 तत्वों का विशेष महत्व है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही 5 तत्वों से मिलकर के बना है। आप सभी ये बात जानते हैं। 72% हम वाटर को मानते हैं, 6% हम आकाश तत्व को मानते हैं, ऐसे हमने परसेंटेज भी लगाई हुई है। और हम अपने तत्वों के बारे में, पर तत्वों की थ्योरी कहती है अगर हम अपने तत्वों में इम्बैलेंस क्रिएट ना होने दें तो हम बीमार ही नहीं हो सकते। हमारे तत्वों में जब तक अशुद्धि ना आ जाए जब तक हम बीमार नहीं हो सकते। यानी बीमारी के लिए हमारे तत्वों में इंबैलेंस होना जरूरी है। अब एक उदाहरण लेते हैं, सबसे ज्यादा हमारे शरीर में क्या है, पानी है। पर पानी कौन सा पानी है? हमारे शरीर में नमकीन पानी है। हमारे शरीर में नमकीन पानी है। अब मैंने आपको, ज्योतिष के विद्यार्थी जानते हैं, नमकीन पानी जो है वो चंद्रमा से रिलेट करता है।
मून से रिलेट करता है, और मीठा पानी जो है वो शुक्र ग्रह से रिलेट करता है। अब मेडिकल साइंस क्या कहती है, नमकीन में ना एसिडिक, आपकी बॉडी में जब एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है यानी कि पीएच वैल्यू इंबैलेंस जब हो जाती है तो आपकी किडनी खराब होने लग जाती है, आपका लीवर खराब होने लग जाता है। ये जो पीएच वैल्यू का जो इंबैलेंस क्रिएट होता है, अब इसे आप कई लोग इसे बोल देते हैं बॉडी की एसिडिटी है, बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया है। आपको जानकर के हैरानी होगी, ये वही एसिड है जो हमें गुस्सा दिलाता है, ये वही एसिड है जो हमें घरेलू झगड़े की तरफ बढ़ाता है, इसी के कारण हम चीखते चिल्लाते हैं अपने अपने परिवार के लोगों पर हम ये नहीं सोचते कि हमारे ही कारण सब कुछ हो रहा है, ये हमारी बॉडी में इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है, हम कभी भी इस चीज का अंदाजा नहीं लगाते हैं। एक थ्योरी कहती है जब आपकी बॉडी में एसिडिटी समाप्त हो जाती है, यानी कि दो होते हैं एक एसिड और एक बेस, यानी जब आपकी बॉडी नॉन एसिडिक हो जाती है तो कोई बीमारी उस शरीर में एंटर नहीं कर सकती, यानी कि कौन से तत्व की शुद्धि हुई, जल तत्व की शुद्धि हो गई। और जल तत्व की शुद्धि कैसे हुई, शुक्र ग्रह का प्रभाव जब हमारे शरीर में बढ़ने लगता है तो वो भी जल तत्व का ग्रह है। ध्यान रखना दो ग्रह जल तत्व के हैं, एक चंद्रमा और एक शुक्र ग्रह, दोनों का जल तत्व है। शुक्र को इसीलिए एंटी एजिंग प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि बुढ़ापा नहीं आने देता, हमारे जवानी का जोश, कार्य करने की क्षमताएं, एंथुसिएज्म इन लाइफ, ये सब शुक्र देता है। पर जैसे जैसे बॉडी में एसिडिटी बढ़ती चली जाती है ये जोश ठंडा होता चला जाता, हमारे प्रेम करने की क्षमताएं समाप्त हो जाती है, हमें हर आदमी चोर नजर आता है, हमें हर आदमी धोखेबाज नजर आता है, हमारे नेगेटिविटी की अप्रोच बढ़ जाती है। अब देखा आपने, अभी तो एक ही तत्व ही चल रहा है, एक तत्व की अशुद्धि ने हमारी पूरी दुनिया बदल करके रख दी, हमें शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से भी बीमार कर दी। ये तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल था। सबसे बड़ी परेशानी तो जब होती है जब हम अपने आकाश तत्व को भूल जाते हैं, और आकाश तत्व को तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, एज ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ये भी क्या करता होगा, परंतु वास्तु में बहुत बड़ा महत्व है आकाश तत्व का। आकाश तत्व तो कहां से आप लेते हो वास्तु में, बताइए, आप स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूं, वेस्ट नहीं, आकाश जुपिटर, जुपिटर 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 तो एक दिशा है, उस दिशा का जो वो है वो आकाश तत्व, ये तो गुरु का तत्व है जी। पर अगर आप अपने घर में आकाश तत्व तो देखेंगे तो कहां से देखेंगे, ब्रह्म स्थान, छत पे स्पेस। अब आप इमेजिन कीजिए, नहीं सुमित्रा जी, छत जो आपकी होती है वो आपका घर का आकाश होता है। आज से ध्यान रखना, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो नोट कर लें, आपके घर की जो छत होती है वो आकाश सर। आप इमेजिन करें घर की छत ही नहीं है मान लीजिए, तो आप उसे घर कह सकते हैं क्या, उसे तो आप चार दीवारी कहेंगे, यानी कि बिना आकाश तत्व के आपका घर पूरा ही नहीं हो सकता। पांच तत्वों के बगैर आपका घर पूरा नहीं हो सकता, देखिए ब्यूटी ऑफ साइंस। पर वास्तु हम क्यों सीख रहे हैं, हम वास्तु इसीलिए सीख रहे हैं कि
कि पांच तत्वों का बैलेंस बना रहे। जैसे शरीर में कोई भी इम्बैलेंस तत्वों का हो जाता है तो शरीर बीमार हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपके घर में कोई तत्व इम्बैलेंस हो जाता है तो आपका पूरा घर बीमार हो जाता है। पूरे घर का मतलब अब यहां लोगों से मतलब नहीं है, यानी कि उसमें रहने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने अपने ग्रहों के हिसाब से किसी ना किसी रूप में परेशान रहने लगेगा। तो इसके वो कहेंगे ये बीमार घर है, इसमें किसी ना किसी तत्व की अशुद्धि है। अगर जिस घर में आप रहते हैं उस घर में आपस में रहने वाले लोगों के बीच में हार्मनी नहीं है, स्नेह नहीं है, संवाद नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर उस घर का क्या लाभ? वो तो केवल ईंट पत्थरे पत्थर और सीमेंट से बने हुआ एक वीरान जगह की तरह ये चार दीवारी खड़ी कर दी गई है, उसे मकान या घर नहीं कह सकते आप। घर जब ही बनेगा जब हर सदस्य आपस में एक बॉन्डिंग के साथ जुड़ा होगा। ध्यान रहे भक्ति से भी ऊपर प्रेम तत्व तो है। उस घर में रहने वालों के बीच में अगर प्रेम नहीं है, लव नहीं है, तो समझ लीजिए आपके घर में अशुद्धि है। और अशुद्धि कहाँ है? कूड़ेदान को अशुद्धि मत समझ लेना, वो तो एक बहुत बारीक सी प्रक्रिया है, आप झाड़ू मार के साफ कर देंगे। यानी कि उस घर में तत्वों में इम्बैलेंस है। इसीलिए हम किसी वास्तु विशेषज्ञ का साथ लेते हैं कि वो बताए कौन सा तत्व इम्बैलेंस है, कौन सी दिशा हमारे लिए अच्छा कार्य नहीं कर रही। क्या आप जानते हैं हर दिशा में देने का सामर्थ्य बहुत है। ये दिशाएं हमें देती हैं, बसरते हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी दिशा हमें देगी। यही तो पता लगाना है बस कि किस दिशा से हमें मिलने वाला है। अगर ये सूत्र पता लग जाए तो आप अपने मन चाहा काम कर सकते हैं, आपको मन चाही सफलता मिल सकती है। पर उसके लिए ये सब्जेक्ट को जानना तो जरूरी है ही है, इससे भी ऊपर की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम ध्यान कहते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बहुत रिकमेंड करता हूं, ध्यान इतना करना है कि आपकी घर की दीवारें, आपके घर के पांच तत्व आपके साथ कनेक्टेड हो जाएं और वो स्वयं बोले आपसे कि आपके घर में ये चीज गड़बड़ है, तो ही आप परफेक्ट वास्तु शास्त्री बनेंगे। ये ध्यान रखना, आप लोगों ने इस लेवल पर जाना है कि जिस घर में आप एंटर करें तो वहां की दीवारें, उस घर की चौखटें, उस घर का मेन गेट आपसे बात करना शुरू कर दे और स्वयं बताए कि इस घर में ये गड़बड़ है, तो आप पहचानने लग जाएंगे अच्छा ये गड़बड़ है, तो ये प्रॉब्लम होनी चाहिए आपके घर में। केवल घर की दिशाओं को देख के, घर के तत्वों के इम्बैलेंस को देख करके आप ये बताने लगेंगे कि आपके घर में किस किस के बीच में नहीं बनती, कौन बीमार रहता है, किसको परेशानी रहती है, कौन व्यक्ति है जिसको नौकरी नहीं लग रही है, किसके साथ रोजगार में प्रॉब्लम्स आ रही है, और साथ में इसको किस प्रकार से ठीक किया जाना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घर में एक
कॉर्नर ऐसा बनाएं जहां पर रोज एक घंटा इन्वेस्ट करें, चाहे वहां पे ध्यान करें या प्राणायाम करें, कुछ नहीं तो अपने ये वीडियो ही सुन लें। ज्योतिष के, वास्तु के जो कोर्स आपने सीखा है उसके आप वीडियो ही सुने, आप अपने नोट्स बनाएं, कोई एक्सरसाइज करें, अपने ऊपर जरूर इन्वेस्ट करें। आप करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट अपने घर में करते हैं पर अपनी लाइफ पर इन्वेस्ट नहीं करते, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आपने अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना है। तो ये पांच तत्व तो कमल जी ने आपको बड़े अच्छे से समझा रखे हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। आज का मेरा जो विषय है वो डायरेक्शन पर है। आप लोगों ने, आज हमारी चर्चा राहु से आरंभ हुई और मैंने कहा कि राहु साउथ वेस्ट है, वहां पर बैठा हुआ ये ग्रह, और वहां पर जो देवता है जिसे हम देवता कहते हैं वो राक्षस है। अब राक्षस है तो ये दिशा बहुत शुभ नहीं मानी जाएगी, पर क्या राक्षस का हम उपयोग नहीं कर सकते? कभी कभी घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है, सीधी उंगली से नहीं निकलता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां पर राक्षस की आवश्यकता होती है। तो हमें मालूम होना चाहिए इस राक्षस का भी उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। हाँ, मेन गेट नहीं ऐसा रखना चाहिए, ये पक्की बात है। 40% वास्तु तो वहीं से ही गड़बड़ा जाता है, आपके घर का मेन गेट से ही गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। अगर आपने साउथ वेस्ट का फेसिंग वाला अपना मेन गेट लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, आप जब जब घर में एंटर करेंगे राक्षस भी आपके साथ एंटर करेगा, ये जान लीजिए। तो इसलिए बड़ा ध्यान से, मैं बड़ा आराम से शुद्ध हिंदी भाषा में समझा रहा हूं, हरियाणा का आदमी हूं, हरियाणवी भाषा को शुद्ध हिंदी भाषा में समझा रहा हूं करके, तो बिल्कुल समझ में आएगा एकदम लेवल में कि अगर ये फेसिंग की तो राक्षस हमारे साथ एंटर करेगा। और वही राक्षस जब हमारे सिर पे बैठा होता है तो हम क्या करते हैं, हम घर में घुसने के बाद ये प्रयास करेंगे कि आज झगड़ा कैसे शुरुआत हो। तो हम अपने सदस्यों की कमियां निकालते हैं कि हाँ ये बंदा है, इससे झगड़ा किया जा सकता है, और बिना मतलब किया जा सकता है। बस राक्षस अपना काम आरंभ कर देता है। अब आप उसे राहु समझें या राक्षस समझें, परंतु इसका भी उपयोग किया जा सकता है, पर मेन गेट के द्वारा नहीं, ये बिल्कुल क्रॉस लगाया गया, समझे बात को। पर आपने राहु का इस्तेमाल जो करना है, अब राहु ग्रह किस चीज का कारक है, राजनीति का, कूटनीति का। राहु स्ट्रेटजी बनाने में बहुत बढ़िया सहायक होता है, प्लानिंग बनाने में भी बहुत मददगार है हमारे लिए। साम दाम दंड भेद की रणनीति अगर आपने बनानी है तो राहु से ज्यादा मददगार कोई नहीं होता, है ना, गजब की बात। आप अगर ऐसा कार्य करते हैं जहां पर लोगों को मैनेज करना है, बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, जहां पर कूटनीति के साथ काम करना पड़ता है, किसी को प्यार से बोलना पड़ता है और किसी को गाली दे करके बोलना पड़ता है, किसी को पैसा भी देना पड़ता है, बस अगर आप वास्तव में आपका ऐसा काम है तो आप अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर पकड़ लो, या अपने ऑफिस का साउथ वेस्ट कॉर्नर पकड़ लो, द बेस्ट डायरेक्शन है आपके लिए। आप बॉस हैं, आपको ये काम करना पड़ता है क्योंकि आपका काम इससे रिलेटेड है। यहां पर राक्षस आपके लिए मददगार सिद्ध होगा, पॉइंट समझे।
ये तो बात आप लोगों ने सीख रखी है, पढ़ रखी होगी। अब मुद्दा ये आता है भाई, किसी का घर ही फंस गया साउथ वेस्ट में, डायरेक्शन में मेन गेट ही लगा दिया बंदे ने, अब क्या करे? तो वाह, ये आठ दिशाएं जो होंगी, इन हर दिशा में जैसे एक ग्रह है यानी कि, और एक ग्रह का देवता यानी उस दिशा का देवता, उस दिशा का दिक भी बोलते हैं इसे, दिक मैंने दिशा यानी कि ग्रह का दिक बोला जाता है। इसमें एक ग्रह का वास और होता है जिसे काल चक्र का भी बोलते हैं हम लोग, पर काल चक्र जो है वो ज्योतिष का कंसेप्ट है, इसलिए उस विषय पे नहीं जाऊंगा मैं। यानी कि आप इस शुद्ध भाषा में ये समझो, उस ग्रह का अपोजिट प्लेनेट जो उसकी काट जानता है, यानी कि उसकी शक्ति को कम करना जानता है। अब मान लीजिए आपका घर ऐसा फंस गया या आपका ऑफिस ऐसा फंस गया कि आपका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, साम दाम दड्ड भेद से और कोई प्लानिंग स्ट्रेटजी और ये कूटनीति राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि वास्तु ये सूत्र कहता है आपको अपना घर जब बनाना है ये चीज ध्यान रखना है कि आपका काम क्या है, आप इस घर से क्या काम लेने वाले हैं, आपको इस घर में कौन सी शक्तियां चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एक प्रोग्रामिंग बनते हैं, ऐसे ही आपको वास्तु में अपने घर की प्रोग्रामिंग फिट करनी पड़ती है। अगर आप ध्यानी होना पसंद करते हैं, नॉलेजेबल होना पसंद करते हैं तो उसका अलग सूत्र है, आप हायर इंटेलिजेंस लेवल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका अलग सूत्र है, आपको सक्सेस चाहिए उसका अलग सूत्र है वास्तु में, आपको राजा बनना है, आपको पॉलिटिक्स में जाना है, उसका एक अलग सूत्र है। तो सबसे पहले आपने ये डिजायर ये सेट करना है आपको अपने घर से चाहिए क्या। और 70% लोग यहीं पर फंस जाते हैं, दे आर सो कंफ्यूज्ड, उन्होंने जो लोगों से सुना है वो ही बोलते हैं, हाँ हाँ पैसा भी आ जाए, नौकरी भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। भाई क्या आ जाए, तुझे क्या चाहिए? हाँ हाँ एक मर्सिडीज भी आ जाए, बाबूजी रह गया था ये वाला रह गया था, देखो मर्सिडीज रह गई थी, अरे मर्सिडीज भी जोड़ लो। अरे भाई वो ऐसे नहीं चलने वाला, फिर बात कीजिए कि तुम्हें क्या चाहिए। ध्यान रखें कि आपका भविष्य बुढ़ापा है और हम इस धरती लोक पे आए ही मरने के लिए, बड़े ध्यानपूर्वक चलना है। हमें लगता है बहुत ज्यादा समय है, ये सब लगता नहीं, ये वहम है मनुष्य का। मैं तो बिल्कुल ही नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। तो ध्यान रखें कि आपका जीवन सबसे इंपॉर्टेंट है। रुपया पैसा तो आता जाएगा, चलता जाएगा, ये तो गेम है, ये तो होता रहेगा, पर अपने हृदय से पूछिए आपको चाहिए क्या, और उसको नोट कीजिए डायरी में, ऐसे मत छोड़िए। जो लोग दिमाग में रखते हैं वो कहीं नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखना। कुछ लोग बड़े अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, वो कहते हैं सब कुछ मेरे दिमाग में, कुछ नहीं है, खाली होते देर ही नहीं लगती, एक करंट का झटका आता है और चला जाता है, दो मिनट में याददाश्त चली जाती है, बंदे को नहीं याद रहता कुछ भी, वो अपने बीवी बच्चों तक भूल जाता है। ये तो आप क्या कह रहे हैं, क्या याद रखे बैठे, डायरी में लिखना सीखो आपको लाइफ से क्या चाहिए, आपको अपने घर से क्या चाहिए। जब चाहिए होगा वही तो बात की प्रोग्रामिंग करोगे। वास्तु शास्त्री घर पे बुला लिया आपने, पैसे भी दे दिए, कैसे बताओगे आपको इस घर से क्या चाहिए, वो आपके लिए क्या करके जाएंगे, वो बता देंगे ये गड़बड़ ये गड़बड़ ये ठीक ये गड़बड़ ये ठीक ये बगड़। भाई साहब आपने पूरा फायदा नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया आपने पूरा फायदा, क्योंकि आपको पता ही नहीं करवाना क्या है। आपके साथ तो वही वाली बात हो गई, आपका लैपटॉप बिगड़ गया,
पर आपको पता नहीं है कि इस लैपटॉप से क्या फायदा उठाना है। किसी ने कहा 1,00,000 रुपए का लैपटॉप ले लो, पैसे की कमी नहीं, आपने ले लिया, पर आपने ये दिमाग नहीं लगाया इसमें इतनी सारी चीजें हैं, उसका उपयोग क्या है आपके जीवन में। यही काम हम वास्तु के साथ करते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमें किस दिशा से क्या चाहिए, हमें लाइफ से क्या चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज ही लिखिएगा, जब भी मेरा ये लेक्चर और मेरा सेशन आपके काम आने वाला है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। फिर तो जैसे आप कैमरा बंद करके भागते हैं तो यहां से वैसे भी जा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि मैं समझाऊंगा पर आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। तो चलिए उसी सूत्र पे आते हैं। बुध ग्रह का तो नाम आप सभी ने सुना होगा, बस बुध ग्रह को यहां अप्लाई कर देना है। राहु देवता भाग जाएंगे, राक्षस भाग खड़ा होगा, बुध यानी मरकरी, ध्यान रखे राहु को चुपचाप, राहु को भी नहीं पता लगने देता, वो सबसे चालाक प्लेनेट है, चुपचाप जड़ से खत्म कर देता है, चुपचाप जड़ से खत्म, क्योंकि फाइट नहीं कर सकता वो। बुध है क्या? मरकरी इज योर इंटेलिजेंस, धी शक्ति। जो परमेश्वर ने आपको धी शक्ति दी है, यानी जो आपको इंटेलिजेंस दिया है, वो ही मरकरी है। विश्लेषण क्षमताएं, बोलने की पावर, कम्युनिकेशन स्किल, और इस संसार में जितना भी धन है, सारा फाइनेंस, सारे आंकड़े, सब मरकरी है। अगर आपने राहु के स्थान पर मरकरी को लगा दिया तो बस इतना ही उपाय करना है। कमल जी ने समझाया होगा कि मरकरी को कैसे अप्लाई करना है, वरना उनकी जान खाते रहना। सिंपल सूत्र बता रहा हूं, मरकरी को कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत से साधन है। मरकरी ध्यान रखना लर्निंग प्रोसेस से, अर्निंग बाय लर्निंग, ऑलवेज रिमेंबर इस सूत्र को, अर्निंग बाय लर्निंग। जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हो तो फास्ट तरीके से लर्न करो, जितना लर्न करोगे उतना ऊपर बढ़ोगे। कुछ भी जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लर्न करो, जितने लर्न करते चले जाओगे बुध देवता आपको उतना ही राइज देते चले जाएंगे। और आपको तो मालूम होगा बुध की दिशा कौन सी है, ये वही है जहां से लक्ष्मी जी प्रवेश पाती है, उस पर भी मैं आऊंगा। ये बुध ग्रह को हमेशा याद रख, दिशाओं से मत डरो, दिशाओं से फायदा उठाओ। आज वही मैं बताने जा रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमने साउथ वेस्ट से हमने शुरुआत करी राहु के कारण। साउथ वेस्ट से अगली जो डायरेक्शन आएगी, आपने खींचे होंगे लकीरें, वो कौन सी आएगी? वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट इज बेस्ट, पर इंडियन के लिए वेस्ट इज नॉट बेस्ट। पश्चिम दिशा क्या है? एयर। एयर, वेरी गुड। ये इसका एलिमेंट है एयर, क्योंकि यहां पर शनि दिशा, सॉरी शनि ग्रह ये दिशा है। यहां कौन से देवता वास करते हैं? हनुमान जी, गंधर्व, हनुमान जी, वरुण देवता। अभी तो आपने कहा कि जो है एयर है, वरुण, वरुण, वरुण और
हनुमान जी तो एयर के कारण है, एयर ज्यादा तंग करे तो हनुमान जी को याद करो, हैं? क्योंकि वो वायु पुत्र हैं। क्यों हम हनुमान जी को यहां पर याद करते हैं पश्चिम दिशा में? ये जब जब आपको एयर तंग करे, और एयर के तंग करने का मतलब 4% ही चाहिए हमारी बॉडी को, पर ये जब कुपित हो जाती है तो ये बॉडी की मूवमेंट को रोक देती है। हाथ पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी कम हो जाती है, चलना फिरना कम हो जाता है। जितने भी प्रकार के बॉडी के इंटरनल पेन पैदा होते हैं सब एयर के कुपित होने के कारण ही होते हैं। ये तो सबको पता है, पेट में गैस बन गई, ये तो मामूली बात है, इतनी एयर तो रोज बनती रहती है, ये कोई समस्या नहीं। पर समस्या जब है जब आपका पीठ दर्द हो जाए, बैक पेन, लेग पेन, सिर का पेन, सिर दर्द हो गया, ओह माय गॉड अब क्या करें, आप समझो आपकी एयर बिगड़ गई। अब इसको किसी भी एंगल से, अब ज्योतिष में तो हम फटाफट कहते हैं भाई शनि ग्रह बिगड़ गया, परंतु यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां के अपोजिट प्लेनेट को बुलाएंगे, और ध्यान रहे वेस्ट डायरेक्शन में पैसा बहुत है, क्योंकि वरुण देवता है ना, हाँ वरुण से धन का हिसाब देखा जाता है। पर कौन सा धन? कंपटीशन वाला। अच्छा तेरे पास एक गाड़ी, मैं रखूंगा दो गाड़ी, है ना। अमेरिका में ऐसा ही होता था, अमेरिका ने कहा भाई जो लोगों जिनके पास गाड़ी नहीं है वो बेचारे गरीब की श्रेणी में आते हैं। अच्छा जी, तो लोगों ने गाड़ी खरीदना शुरू कर दिया। अब बोला एक बार तो बेच ली, अब दोबारा कैसे बेचा जाए? तो वहां के अखबार में निकाल दिया भाई जिनके पास केवल एक गाड़ी है वो गरीब की श्रेणी में आते हैं। अब पति पत्नी की अलग अलग होनी चाहिए, तो फिर वो उन्होंने दो लेनी शुरू कर दी, क्योंकि वहां पीर दिखना चाहता है वो उस कंपटीशन में बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता। ये वरुण का बल है, वरुण आप में कंपटीशन की भावनाएं देता है। वो कहता लगे रहो, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहो, मेहनत करते रहो और लगे रहो, लगे रहो। बोला किस लिए? सिर्फ पैसा कमाना। इसलिए पश्चिम देशों में जाकर के देखो, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं, बोला जी पति पत्नी सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, काम वाली भी नहीं है, खुद ही करना पड़ता है सारा काम, हर चीज में पैसा बचाना है, हर चीज में सुबह से शाम तक, शाम से रात तक सिर्फ लगे पड़े हैं एक काम के लिए, सिर्फ पैसा कमाना। दुनिया की मायावी दुनिया की चमक दमक के चक्कर में वरुण देवता आपको बांध देता है। आपको पता है वरुण एक पाश बनाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार वो मनुष्य के बांध देता है इंसान को, और हर आदमी को वेस्ट याद आता है, उसको कहता है अरे वाह वेस्ट की चकाचौंध देखो। अब ये शनि का अगर कोई दुष्प्रभाव आपके घर में है, कैसे मानोगे कि आपके यहां पर दुष्प्रभाव है? जिनका भैया पीछे से आवाज आ रही है, शैलेश जी या कोई भी है, वो नहीं मैं यहां से उनको रिमूव कर दूंगा, मैं थोड़ा इस मामले के अंदर जो है थोड़ा सा बावला टाइप आदमी हूं, तो आप कैसे समझेंगे कि आपके घर में शनि का दुष्प्रभाव है? सबसे पहला सूत्र, आपके बच्चे छोटे हैं और वो ये कहने लग जाए हमें तो विदेश जाके बसना है, क्यों बसना है? बोला हिंदुस्तान ठीक नहीं है, हमें अमेरिका जाना, हमें तुम्हें तो जाना है, हमारी यहां सेवा कौन करेगा, बुढ़ापे में कौन पूछेगा?
बोला नहीं नहीं पैसा कमाना है, तुम्हारे पास तो 6 लाख की गाड़ी है, हम मर्सिडीज कब लेंगे तुमसे, तो जब भी पूछो तुम्हारा तो जवाब ही तुम कहते हो पता नहीं बेटा कब क्या होगा, तो मुझे तो अमेरिका जाना है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे फलानी जगह जाना है, क्योंकि वहां की चमक धमक है। आप भी कैसे कमाएंगे, भेज दो पश्चिम दिशा की ओर। आपके घर में जब भी अनवांटेड डिमांड्स उठने लगे, अनवांटेड डिमांड्स कि जरूरी नहीं उसके बगैर गुजारा हो सकता है, पर अनवांटेड डिजायर्स उठने लगे, तो समझ लेना इस दिशा में इम्बैलेंस है कहीं ना कहीं। यहां के वरुण देवता आपसे नाराज हैं, तो आप क्या करेंगे, उसका अपोजिट। शनि का अपोजिट क्या है? शनि का अपोजिट है शुक्र ग्रह। वो मेहनत करके राजी नहीं है ना, पॉइंट समझे, थ्योरी समझ रहे हो? हमने अपोजिट प्लेनेट को लगा देना है वहां पर। अपोजिट प्लेनेट को जैसे ही आप लगाओगे वो उसको शांत कर देगा, वो कहेगा अच्छा भाई वरुण देवता शांत हो जाओ। अब आपको शुक्र की थ्योरी तो पता ही है, शुक्र क्या करते हैं, शुक्र वैसा ग्रह है जो इंसान को सजा धजा करके कोई फिजिकल काम करना पसंद नहीं करता, वो जॉब ही करते हैं तो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, अपर मैनेजमेंट में काम करते हैं, ये है शुक्र। पर वो सुबह से शाम लेबर क्लास वाला काम करके राजी नहीं है, कि विदेश में गए वहां झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, यहां गांव में बता रहे हैं साहब हम तो बहुत अमीर आदमी है, हैं वो काम नहीं, या हमने टिम्बर स्टोर खोल लिया वहां जाके पता चला दातन बेच रहे हैं सुबह सुबह कि इंडियन टिम्बर लाए हम तो स्पेशल, ये इट्स ए मेडिसिंस फॉर टूथ तो टीथ, तो ऐसा काम मत करना भैया। तो शुक्र ग्रह ये सब काम नहीं करता, शुक्र लबालब है ऐशो आराम से। अब शुक्र को क्रिएट करना है, ये बिल्कुल दूध की तरह सफेद है, ये दूध की तरह सफेद है, जस्ट लाइक ए डायमंड। डायमंड इसलिए शुक्र का है, शुक्र का पत्थर है। जितनी भी रंग बिरंगी पेंटिंग्स होती हैं, जितनी भी प्रेम और वाली जो पेंटिंग्स होती हैं, ये सब शुक्र ही तो है। बस पश्चिम दिशा में कमल जी से पूछ लेना कि यहां पर शुक्र को स्थापित कैसे करना है। आपके शनि ग्रह से रिलेटेड दोष, वरुण देवता से रिलेटेड दोष, आपके अतिशीघ्र शांत होंगे। पर हां अगर काम आपका शनि से रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, लोहे लंकड़ का काम है, लेदर का काम है, कोयले का काम है, तो ध्यान रहे फिर ये गलती मत करना। फिर क्या करेंगे हम, शनि ग्रह से और ऊर्जा लेंगे, फिर वहां तो शनि ग्रह को स्थापित करना है हमें, फिर तो वरुण देवता की हमें और पावर बढ़ानी पड़ेगी। ये समझ में आई? अगर आपका काम उस दिशा के ग्रह से रिलेटेड है तो आपने अपोजिट प्लेनेट को नहीं लगाना है, तो फिर आपने उस ग्रह से मदद लेनी है और उस दिशा की पावर को बढ़ाना है, चाहे रतन के द्वारा, पेंटिंग्स के द्वारा, या लाइटिंग के द्वारा, या कुछ अन्य साधन अपना के उस जोन को एनर्जाइज करना है, उस जोन को एक्टिवेट करना है, वो आपको कमल जी मदद करेंगे उस विषय में। अब अगली दिशा जल्दी जल्दी करेंगे, आप चिंता ना करो, शुरू में मैं थोड़ा धीरे चलता हूं, बाद में फास्ट हो जाता हूं।
अब अगली दिशा क्या है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, बहुत बढ़िया। अब ये कौन सी दिशा है, यहाँ पर कौन सा ग्रह है, कौन सा? चंद्रदेव, चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा। यहाँ पर ग्रह जो है वो चंद्रमा है, मून है। और यहाँ पे कौन सा तत्व है? चंद्रमा क्या देता है? मून, वाटर, वाटर, वाटर। अब यहाँ पर इसका काम क्या है, ये मतलब क्यों, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है ये? इमोशंस, इमोशंस। क्या आप जानते हैं ये आयु बढ़ाता है? ये आयु बढ़ाने वाली दिशा है आपकी। यहां से हम रेजोनेट करते हैं, डेली मेंटेनेंस का काम यही दिशा करती है आपका। डेली मेंटेनेंस का काम है, वो टूट फूट होती है ना अपने शरीर में, रोज काम कर करके कर करके, एक तरह से कहीं अपनी शरीर की ओजस शक्ति यही बढ़ाती है। और आयु निर्णय तो ज्योतिष के अंदर चंद्रमा से ही किया जाता है। दो ग्रह होते हैं ध्यान रखना आयु निर्णय के लिए, शनि और चंद्रमा। इन दो ग्रहों का हिसाब किताब लगा के ही व्यक्ति की आयु का अनुमान लगाया जाता है। और चंद्र ग्रह आपका इमोशंस है, अगर आपके इमोशंस इम्बैलेंस है, या आपको लगता है कि आपके इमोशंस को कोई ना कोई व्यक्ति आता है और तोड़ के चला जाता है, उनको बड़ा ही मतलब टूट फूट आपकी होती रहती है। इमोशंस का मतलब मन टूट जाता है, हमारे हरियाणा में इमोशंस नहीं समझते, वो कहते दिल तोड़ दिया। तो जब कोई कहे ना अपना, जब वास्तु करने जाओ और हरियाणा में हो, तो आप समझ लेना वो कह रहा है चंद्रमा तोड़ दिया मेरा, दिल तोड़ दिया का मतलब यही होता है। अब ये दिल कब टूटता है? दिल जब टूटता है जब कोई आपके अनुसार काम नहीं करता, तो दिल टूट जाता है। कहते यार मैंने इसको कहा था ऐसे नहीं ऐसे काम कर, पर ये मेरी नहीं सुनता, मेरी नहीं मानता। सच में दिल तोड़ दिया इस आदमी ने, देख मैंने इसके लिए वो काम किया था, वो काम किया था, पर पट्ठे ने मेरी एक नहीं सुनी। ऐसे ही दिल टूट जाता है, और डेली रूटीन में हमारे बहुत बार दिल टूटते हैं। तो ये टूटता ही क्यों है? ये ऐसे हमारे साथ घटनाएं और दुर्घटनाएं होती ही क्यों है? इस जोन को चेक करना पड़ेगा, आपके घर के इस जोन को चेक करना पड़ेगा कि भाई ये नॉर्थ वेस्ट का क्या हिसाब किताब है, कहीं इसमें तो इम्बेलेंस क्रिएट नहीं हो रहा। और अक्सर आपको इस दिशा में या इस जोन में बड़ी कमियां नजर आएंगी। 70% लोग अपने मन से दुखी हैं, उनको मानसिक समस्याएं हैं, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशंस हैं, फोबिया हैं, और ना जाने कितने प्रकार के मानसिक रोगों से वो लोग ग्रसित हैं। ये नॉर्थ वेस्ट ही कमाल दिखा गया है। यहां पर अगर कोई अशुद्धि है, यानी कि आपका नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस है, तो आप ये समझ लेना ये मानसिक रोगों से गुजारेगा और मानसिक समस्याएं पैदा। मान लो ये चीज आपको गड़बड़ साबित हो रही है, तो आपने अपोजिट प्लैनेट को यहां पर प्लेस किया, तो इसका अपोजिट प्लैनेट कौन है? चंद्रमा का सबसे भयंकर ज्योतिष वाले विद्यार्थी, ये ध्यान रखना। अरे मालूम नहीं, सूर्य है, सैटर्न, चंद्रमा को नहीं बख्शता, ध्यान रखो। चंद्रमा एक बार आ जाओ बस, विषयों बना देता है ये, जब भी शनि और चंद्र एक साथ होते हैं तो बन जाता है ना विषयों।
विषयों क्या है वो, मैं मानसिक रोग चंद्रमा को बहुत प्रताड़ित करता है, दृष्टि भी डल जाए तो बस कर देता है काम, सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचा देता है। तो ये यहां पर शनि से संबंधित चीजों को अगर यहां पर स्थापित कर देते हैं तो ये दिशा को ठीक किया जा सकता है। यहां पर आपने पर ध्यान यही रखना है, ये दिशा आपको आयु देती है, प्राणायाम करने से आपकी आयु बढ़ती है, प्राणों को आयाम देने से आपकी आयु बढ़ती है और डेली मेंटेनेंस होता है। चंद्रमा को ठीक करने का सबसे बेस्ट उपाय मैंने जो आज तक पाया वो प्राणायाम, बेस्ट रेमेडी फॉर मून वो प्राणायाम है। नेक्स्ट डायरेक्शन कौन सी है बताइए? नॉर्थ डायरेक्शन। और नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा देवता है? मरकरी तो ग्रह है, देवता कौन है? कुबेर, धन के देवता। कुबेर यहाँ धन देवता कुबेर बैठे हैं, और कुबेर की हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है, कुबेर की हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है, परंतु कुबेर के पास एक पाश है, जो पाश ऐसा है कि उसने मनुष्य के गले में डाल रखा है। आपने कभी कुबेर का पूरा चित्र देखी? उसने कुबेर के क्या चित्र में क्या दिखाया हुआ है? मनुष्य के गले में एक पट्टा बांध रखा है और उसको वो चला रहा है, और वो पूरा रथ है, रथ पर कुबेर बैठे हुए हैं और उसके जो घोड़ों के रूप में मनुष्य है, इसलिए उसे मनुष्य वाहना भी कहते हैं, यानी मनुष्य का वाहन है कुबेर। आपको मजबूर करता है कमाने पर, बुध ग्रह आपको मजबूर करता है कमाने पर। जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो जानते हैं कि दशम भाव का कारक जो है बुध ग्रह है, यानी आपके कर्म स्थान का कारक ग्रह बुध ग्रह है, जो आपको मजबूर करता है कि आप जाइए काम कीजिए और पैसा कमाइए, धन कमाइए। समझे बात को? अब मान लीजिए यहां पर आपके नॉर्थ डायरेक्शन में, जिसे धन की दिशा भी बोला जाता है, वैसे तो कहते हैं यहां पर साफ सफाई होनी चाहिए, जल तत्व का वास होना चाहिए, पर क्यों होना चाहिए जल तत्व का वास, आपने कभी सोचा है? ये आप की कोई भी बुध ग्रह से रिलेटेड नेगेटिविटी नहीं प्राप्त हो। बुध ग्रह की नेगेटिविटी क्या होती है? आपकी नसें कमजोर होने लग जाती है शरीर की, आपका हार्ट कमजोर होने लग जाता है, दिमाग में मेमोरी कम होने लग जाती है, आपका दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता, कोई दिमाग संबंधी बीमारी हो जाती है, ये सब बुध की बीमारियां हैं। बहुत सारी, दांतों का असमय टूट जाना, दांतों की बीमारी होना, ये सब बुध की बीमारियां हैं। अगर ऐसी समस्या आप लोग झेल रहे हैं और धन का सही तरह से आवागमन ना होना, क्योंकि बुध फाइनेंस का सबसे बड़ा प्लेनेट है, ये ध्यान रखना, और अगर आपको फाइनेंस की समझ नहीं है और आप व्यापार में गलती से घुस गए हैं तो व्यापार आपको डुबो देगा, और व्यापार तो आप जब ही करेंगे जब आपका बुध अच्छा होगा। खास करके जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन सबसे ज्यादा क्रूशियल डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के साथ थोड़ा भी हेर फेर हो जाए उनका व्यापार चौपट हो सकता है, ये ध्यान रखें। और अगर काम काज नहीं चल रहा है, आप नए नए व्यापार में एंट्री लिए हैं और आप पाते हैं कि यहां पर गड़बड़ है, तो इसके अपोजिट प्लेनेट को यहां पर लेके आइए,
इसका अपोजिट जो प्लेनेट है वो है चंद्रमा, मून। देखिए बुध ग्रह आपको ललायित करता है कर्म योग के प्रति, यानी काम के प्रति आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा देता है कि आप काम करें। और चंद्रमा कौन है? आपका मन, और मन कहता है काम मत कर। अगर इंसान मन के भरोसे चले तो कोई भी व्यक्ति काम करके राजी नहीं। जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ये कोई काम करके राजी नहीं है, ये तो बुध ग्रह की हिम्मत है जो हमें दौड़ा रहा है और भगा रहा है। चंद्रमा आपकी माँ भी है भाई, माँ नहीं चाहती उसका बेटा मेहनत करे, माँ का बस चले तो खिला पिला के मोटा कर दे। अभी मैं जो है कुछ दिन पूर्व मैंने बड़ी डाइटिंग करी 4-5 महीने और मैंने अपने वजन कुछ लूज किया, और मैं सिर्फ 5 या 6 दिन अपने गांव गया, नारनौल गया, वहां हमारे घर में एक शादी थी, मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं। मेरी माँ को तो ऐसा झटका लगा कि छोरे के पता नहीं क्या हो गया, बोले इतना कमजोर। मैंने कहा मम्मी जितना तो रिएक्शन दिखा रही है उतना है भी नहीं मैं कमजोर, है ना, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैंने 3 टाइम इतना घी खिलाया कि 5 दिन में जो है बस करके भेजा, और साथ में घी का डोलू भी भर के भेजा। मेरी वाइफ ने कहा ये घी खाते बहुत कम है, घी खाते ही नहीं है, वो कहते इसका तो दिमाग फिरा हुआ है, तू खिलाती रहे तो देख लो उसका परिणाम। अब सारे कहते हैं अरे पंडित जी अब तो रौनक आ गई चेहरे के ऊपर, समझ रहे हो बात को। तो माँ का बस चले उसे अपना लड़का कभी मोटा नहीं नजर आता, उसके लिए बच्चा कमजोर ही है। और माँ का बस चले तो 50 साल का लड़का भी उसको ऐसे लगता है कि बस अभी तो उम्र ही क्या है बेचारे की, ऐसा समझ जाएगा कोई गलती कर लेता है तो, समझ रहे हो बात को। आप चीजों को समझो, माँ आप पैसा कमाओ ना कमाओ बड़ा प्यार करती है। वो बुध से बिल्कुल अपोजिट कौन है? चंद्रमा। और क्यों है चंद्रमा? चंद्रमा और बुध की आपस में झगड़ा है, वो ज्योतिष के विद्यार्थी जानते हैं कि उनका आपस में क्या लिंक है। सिर्फ चंद्रमा को स्थापित कर दीजिए, बुध के दोष दूर हो जाएंगे। चंद्रमा से रिलेटेड काम कीजिए उत्तर की दिशा में। हाँ जल जरूर रख दीजिए, चंद्रमा जल है ना, उत्तर की दिशा में जल का कोई भी वाटर बॉडी लगाइए, जगह को साफ साफ सुथरा करें। और भी जो उपाय, मैं अभी उपायों में नहीं जा रहा ज्यादा, सिर्फ आपको बता दूं कि ये विषय ज्यादा लंबा है पर आपके लिए आज लाभ तक जरूर होगा और आप सब कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है चिकित्सा वास्तु। ये कोर्स, इसमें हमने आयुर्वेद, योग और ज्योतिष प्लस वास्तु, इनका एक कॉम्बो पैक बनाया है। सबसे पहले उसमें आयुर्वेद आपके वास्तु के अनुसार, ये नहीं समझना कि मैं बॉडी का वास्तु, बॉडी का आयुर्वेद सिखाऊंगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। आपके वास्तु के अनुसार आयुर्वेद को किस तरीके से आप अपने घर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा योग, कौन सा मेडिटेशन आपके घर के जोन के हिसाब से आपके लिए द बेस्ट होने वाला है, और ज्योतिष के अनुसार क्या रेमेडी पॉसिबल है। तो इसलिए इसका नाम ही हमने रख दिया चिकित्सा वास्तु। एक ऐसा वास्तु जो चिकित्सा की जा रही है, घर की चिकित्सा की जा रही है या आपके ऑफिस की चिकित्सा की जा रही है। ये हम 10 जनवरी से आरंभ करने जा रहे हैं और इसे मैं और कमल दोनों मिलकर के पढ़ाने वाले हैं। मैं अपने विषय को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है वो जानते हैं मैं आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी जानता हूं, तो अब नया सूत्र सिखाऊंगा आयुर्वेद वास्तु का। तो परमेश्वर की कृपा रही तो इस कृपा से हम
10 जनवरी से हम कोर्स आरंभ कर रहे हैं और 18 जनवरी से हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स जो आरंभ होने जा रहा है। जो लोग बिल्कुल नए तरीके से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, बिल्कुल उन्हें ज्योतिष नहीं पता है, बिल्कुल न्यू है, उन्हें ज्योतिष का बिल्कुल अनुभव नहीं है, वो शुरुआत से अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो 18 जनवरी उनके लिए एक तारीख है, वो शुरुआत कर सकते हैं। उसकी टीचर रहेंगी उर्मी गुप्ता। एक कोर्स मैं करवाने जा रहा हूं, पामिस्ट्री कोर्स। पुराने स्टूडेंट जानते हैं पामिस्ट्री मेरा पैशन रहा है और कम से कम 18 सालों का अनुभव रहा है। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में पामिस्ट्री के द्वारा ही कदम रखा था और जो मैंने अपनी यात्रा आरंभ की वो पामिस्ट्री से ही की थी, ज्योतिष मैं बाद में करने लगा। तो 18 साल का अनुभव मेरा और सबसे आसान तरीके से पामिस्ट्री सिखाने का दमखम रखते हैं हम लोग। ये 9 तारीख से हम लोग यानी 9 जनवरी से और 20 से ज्यादा लोगों ने एनरोल करवा लिया है इस कोर्स में। कोर्स के अनाउंस करते ही विद इन 2 आवर्स में 20 स्टूडेंट्स ने एनरोल करा लिया। इसकी तो ढंग से हमने एड भी नहीं चलाई, 20 विद इन 2 आवर्स। ये अभी 3 कोर्स अनाउंस हैं, अभी 3 कोर्स और अनाउंस होने हैं जनवरी के अंदर, तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा। जो लोग आपके जान पहचान के हैं, कोई रिश्तेदार है, अगर कोई ज्योतिष वास्तु सीखना चाहता है, पामिस्ट्री सीखना चाहता है, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, तो आप जरूर एस्ट्रो पाठशाला के बारे में बताएं। हमारे स्टूडेंट्स 100% से ज्यादा मोस्ट सेटिस्फाई होते हैं और उसके लिए हम लोग बड़े प्रयास करते रहते हैं। तो चलें आज की दिशाओं को हम फटाफट पूरा करते हैं। अगली दिशा नीलू जी कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। एंड नॉर्थ ईस्ट आते ही मैं एक घंटा बोलने का पता नहीं क्यों मन करता है, पर नहीं बोलूंगा, चिंता ना करें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जिस पर 1-1.5 घंटे मैं बोल सकता हूँ। इसे पुण्य दिशा भी कहते हैं। ये हमारे पुण्यों की दिशा है। यहां पर गुरुदेव वास जो करते हैं, ईशान नाम भगवान शिव का है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 5 मुख हैं और 5 मुख में से सबसे ज्यादा सुप्रीम कोटि का जो मुख है उसी का नाम ईशान है। ये बात जरूर ध्यान रखना। एकदम से ईशान दिशा है और ईशान में आपको कोई कह दे भाई ईशान नाम कहां से आ गया, आप कह दे भगवान शिव का। भगवान शिव के 5 मुख हैं और उसमें सबसे ज्यादा सुप्रीम जो मुख है उसी का नाम ईशान है। अब ये दिक बहुत बड़ा दिक है, ये दिशा बल बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है। प्रैक्टिकली कैसे करोगे भाई? सिंपल बात, आप जब भी जिंदगी में अपने आप को कंफ्यूज महसूस करें, आप कभी भी डिसीजन लेना चाहते हो, बड़ा डिसीजन, कोई भी डिसीजन लाइफ का लेना चाहते हो और आपको लग रहा है कि मैं भ्रमित हो रहा हूं, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, कुछ मत कीजिए, चुपचाप अपने घर के ईशान कॉर्नर यानी नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर में जाके बैठ जाइए। बस वहां आंख बंद करके बैठ जाएं, कुछ नहीं करना, ध्यान भी नहीं करना। कोई कहे जी मुझे मेडिटेशन नहीं आता, मत आए। वहां अपने जो भी आपकी व्यवस्था है वहां जाके बैठ जाओ, आपके दिमाग का कचरा वो अपने आप निकाल देगा वहां पर बैठा हुआ देवता। और वहां पर कौन सा देवता बैठा हुआ है? वहां पर तो स्वयं गुरुदेव बैठे हैं, जो नॉलेज के सबसे बड़े प्लेनेट है, जो ज्ञान के प्रवाह हैं। और आपको मालूम होना चाहिए गुरु भी 4 प्रकार के होते हैं, गुरु, परम गुरु, परापर गुरु, परमेष्ठी गुरु।
चार गुरु हैं। गुरु का बल तो देखो, समस्त जीवन को सुधारने की ताकत रखते हैं। इसी प्रकार वास्तु में भी आपके समस्त वास्तु दोषों को हरण करने का कोई शक्ति रखता है तो बस यही कौरना। और यहीं पर देखा जाए तो अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं, बेस्ट डायरेक्शन, बट ज्योतिष की मान्यता थोड़ी सी भिन्न है। जो लोग जानते हैं ज्योतिष को, उसमें एक प्रस्तार वर्ग बनता है, उसमें हर ग्रह को कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, उसमें आपको देखना है कि गुरु का बलाबल कितना है, और वो लंबी वो है। फिर भी अगर आपको नहीं भी पता तो आपने ये बहुत अच्छा ध्यान कक्ष हो सकता है, और नहीं तो कोई बात नहीं, इसको साफ सुथरा रखें। पर ये जौन हल्का रखें, कूड़ा कबाड़ा ना रखें, और यहां आकर के रोज डेली सुबह या शाम आधा पौना घंटा यहां बिताएं। चल म्यूजिक ही सुने, कोई दिक्कत नहीं, मन पसंद म्यूजिक सुने, कोई डिवोशनल म्यूजिक सुने, कोई ध्यान का म्यूजिक सुने। यहां पर बैठने से दिमाग की फाइलें बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। दिमाग को ठीक करने की उत्तम दिशा। पर कभी कभी नहीं पता होता, फ्लैट सिस्टम में हम इसका कूड़ा कबाड़ा घर बना देते हैं, स्टोर बना देते हैं, कभी कभी तो हम इसमें यहां रसोई बना देते हैं। पर ऐसे में करें क्या? और जैसे ही आप इस दिशा को खराब करते हो, वैसे ही राहु आ जाता है यहां पे। वो मौका देखता है, गुरु कमजोर हो तो मैं एंट्री लूं, ईशान दिशा पिटे तो मैं एंट्री लूं। वो भार दिक्पाल की तरह खड़ा है, ध्यान रखिए। ये ईशान दिशा जितनी अच्छी लग रही है ना आपको, इसके साथ उतनी बड़ी नेगेटिविटी जुड़ी हुई है। ज्योतिष का सूत्र, जो जितना उत्तम है उसमें उतना ही बुरा करने का सामर्थ्य, ऐसे ये सूत्र वास्तव में भी है। बड़ा खुश होते हैं सुनकर के, ईशान दिशा सबसे बेस्ट दिशा, पुण्य की दिशा, ये दिशा। इसको खराब करके देखो थोड़ा सा भी, फिर बताएंगे यहाँ पे क्या होता है। आपके घर में जो पुत्र संतान है, खास करके बड़ी, बेचारे को बड़ा संघर्ष करना पड़ जाएगा, पढ़ाई में भी, नौकरी में भी, रोजगार में भी। उसको क्या पता बापू ने ईशान कोण खराब कर रखा है। तो सावधान, जैसे ईशान बिगड़ता है राहु की एंट्री हो जाती है, और राहु का क्या काम है? आपका दिमाग खराब करना, वहम की समस्या पैदा करना। अरे वो मेरे बारे में कुछ बुरा ही सोच रहा होगा, अच्छा ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कमरा बंद करके, निश्चित रूप से मेरी बुराई चल रही है। ऐसे अगर वहम की समस्या घर में पैदा हो रही है तो समझ लो राहु ने एंट्री ले ली है, और राहु ने एंट्री इसलिए ले ली है क्योंकि आपका ईशान गड़बड़ा गया है। तो अपने नॉर्थ ईस्ट को जरूर देख लें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए अब ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर चलते हैं। यहां पर ईस्ट डायरेक्शन का जो स्वामी ग्रह होता है वो सूर्य है, पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य सभी जानते हैं। यहां का देवता जो है वो इंद्र है, और इंद्र को तो आप सब जानते हैं, वैभव और ऐश्वर्य के लिए बहुत जाना जाता है इंद्र, सब बहुत ऐश्वर्यवान है इंद्र। ये वही है जो स्वर्ग का राजा है, जहां अप्सराएं डांस करती रहती है, रंभा, उर्वशी, बस बस कई तरह के, तिलोत्तमा, मेनका, पता नहीं कौन कौन सी हैं, 108 अप्सराएं, सारा एक नहीं है, 108 है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। वहां डांस चलता रहता है, बस आनंद ही आनंद है, पर छोड़ता कौन है जहां पे इतना आनंद हो। राक्षस हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि इसी इंद्र को हरा लें, बस लेते हैं और अटैक करते हैं, लेते हैं और अटैक करते हैं। पर इंद्र भी बड़ा मजबूत है,
है वो विष्णु जी के पास सेटिंग कर रखी, जब भी हारने लगता है विष्णु जी के पास भाग जाता है, विष्णु जी फिर सब सेटिंग कर देते हैं, फिर उसको बेचारे को जिता देते हैं। तो उसके पास मदद की भी बहुत मामले हैं, मदद वो कई दिशाओं से ले लेता है। तो इष्ट डायरेक्शन सबसे ज्यादा देने का सामर्थ्य है, क्योंकि जितना सामर्थ्य सूर्य में देने का है वो किसी भी ग्रह में नहीं। फिर से नोट कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो ताकत सूर्य में है देने की वो किसी भी ग्रह में नहीं। क्या चीज देने की? वेल्थ, वेल्थ की वरही है, अल्टीमेट वेल्थ सिग्निफिकेटर प्लैनेट है ये। कमाल की बात, कुछ लेता भी नहीं है। आप जान के हैरान होंगे कितना डिसिप्लिन है उसमें। जो पंचांग में समय लिख दिया कि इतने बजे सूर्योदय होगा और इतने बजे सूर्यास्त होगा, उतने ही बजे सूर्योदय हो जाता है और उतनी देर ही अस्त हो जाता है। मोस्ट डिसिप्लिन प्लेनेट, आपको ऊर्जा देता है, आपके मौसम बदलता है, आपके पता नहीं सारे सबका, और सौर मंडल का राजा है। राजा है तो भाई देगा तो फिर ढंग से ही देगा। अब आप राजा के पास मांगने जाओगे तो जो मिलेगा ढंग से ही मिलेगा, छोटा मोटा थोड़ी मिलेगा। इसीलिए इसे अल्टीमेट वेल्थ गीवर कहा गया है। और यहां का देवता इंद्र, यानी इंद्र की तरह आपके पास धन होने की संभावना है, तो पूर्व दिशा का भी ध्यान विशेष रूप से रखना है। पर इसका जो शत्रु कौन है? इसका शत्रु भी सूर्य ही है। है कमाल की बात, क्योंकि सूर्य हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा प्लेनेट है, और आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ में कहीं गड़बड़ है तो इसके जिम्मेवार केवल और केवल आप स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ गड़बड़ है तो इसके लिए केवल और केवल आप जिम्मेवार हैं, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि कुंडली में लगन, लगन यानी शरीर, शरीर का कारक ग्रह सूर्य है। अगर आप सुबह सुबह नहीं उठते हैं, सूर्य की तरह डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप निश्चित रूप से बीमार होंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज का जिम्मेवार सूर्य ग्रह ही है। राजा बनना है ना तो ये पूर्व दिशा का बड़ा ध्यान रखना है, ये राजा बनाने की ताकत यही दिशा रखती है आपको। गेट कितना बड़ा लगाना है, कितना ऊंचा लगाना है, कितनी रोशनी आनी चाहिए, सब ध्यान रखने वाले बिंदु हैं वास्तु में। तो ये दिशा के लिए वही लोग जाएं जो पॉलिटिक्स में हो, बड़े बिजनेस में हो, जिनके कारखाने चलते हो, जो बिजनेस टाइकून बनना चाहते हो या राजनीति में टाइकून बनना चाहते हो, उनके लिए ये डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अगर आपको लगता है कि आपका इष्ट बिगड़ा हुआ है तो गायत्री मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। वो भी नहीं कर सकते तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको लाभ होगा। सूर्य का वैदिक मंत्र भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है तो, बड़े आराम से आजकल तो गूगल पे मिल जाता है, ये पुस्तकों में मिल जाता है, पर बड़ा होते हैं वैदिक मंत्र। ओम ह्रीम गृणी सूर्य आदित्य श्रीम, आप ये छोटा मंत्र भी ले सकते हो। ओम कृष्णेन रजसावत्तमानोनिश्चरणमृतं सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। फोन देख लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे की कौन सी दिशा है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अग्नि कोण। अग्नि कोण में कौन से देवता वास करते हैं, कौन से ग्रह हैं? शुक्रदेव। शुक्र, शुक्र देवता कौन है? अग्नि देवता। अग्नि अग्नि
शुक्र ग्रह क्या काम आता है? ऐश्वर्य ठीक है, काम आता है भाई, शादी होती है हमारी, दाम्पत्य जीवन शुक्र ग्रह पर डिपेंड करता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में जो सात फेरे लिए जाते हैं वो अग्नि को साक्षी मान के लिए जाते हैं। अग्नि से दाम्पत्य जीवन मजबूत होता है। अगर किसी की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो ना तो अग्नि की पूजा करें, बस अग्नि की पूजा करने से मैरिज लाइफ टूटती नहीं है कभी भी। ये जो हमारे ऋषि थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इसीलिए उन्होंने कहा भाई रोज जो है हवन करो, डेली हवन करो, नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो जरूर हवन करना चाहिए, उससे विवाह संबंध उत्तम श्रेणी के रहते हैं। और इस अग्नि दिशा में साग्ने कोण में हम लोग क्या करते हैं, रसोई बनाते हैं। तो ये रसोई के लिए एक अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है, पर रसोई अगर हमारी गलत दिशा में हो जाए तो फिर शुक्र बिगड़ जाता है। और शुक्र का रिलेशन धन से भी है, धन के आवागमन से भी है। जो कैश होता है ना, कैश फ्लो, लिक्विडिटी जिसे आप बोल देते हो, लिक्विडिटी का मतलब ही है, क्योंकि शुक्र जल तत्व है और जल तत्व भी मीठे वाला है, तो कैश देख करके हमारी पल्स रेट बिल्कुल सही हो जाती है। बीपी बढ़ा हो तो सामान्य हो जाता है, डाउन हो रहा हो तो बिल्कुल सामान्य हो जाता है ना। ये एनर्जी देने वाला है, नोट की गड्डी देखते एनर्जी आ जाती है, तो शुक्र में बड़ी एनर्जी है। शुक्र गर्म ग्रह है, वैसे जल तत्व कहते हैं पृथ्वी के नजदीक है ये, वो चलो कभी चर्चा होगी जब बताएंगे। ये दिशा अगर गड़बड़ा जाए, इसका अपोजिट कौन है, मंगल। मंगल बड़ा मार धाड़ वाला प्लेनेट है, तो हमें यहां पर मंगल के कार्य करने। मंगल का क्या है कि भाई अग्नि कोण में क्या करना है, अग्नि जलानी, और क्या करोगे, अग्नि जला के रखोगे अग्नि दिशा में, यानी कि मंगल का कार्य है। बाकी कमल जी से पूछना लाल बल्ब लगाना है कि लाल पेंट करना है अग्नि दिशा में, या शुक्र के लिए क्या करना है, शुक्र के लिए क्रीम कलर करवाना है, क्योंकि मुझे काफी लेट हो गया। अगली दिशा बताइए नीलू जी। साउथ है जी, साउथ, साउथ साउथ में देवता कौन है, मंगल, 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 मंगल ग्रह है। देवता कौन है यहाँ पे, यम, यमराज, मृत्यु के देवता है। ये मंगल ग्रह का काम है मारने का, ध्यान रखने का है, मंगल के द्वारा होता है। और मंगल जब क्रोध में होता है तो एक्सीडेंट्स कराता है, बार बार घर में ऑपरेशंस कराता है, तो समझ लेना चाहिए साउथ दिशा में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पर अपने काम को जरूर देखना, कहीं ऐसा तो नहीं आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाहुबली हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं या सेना में हैं, या कहीं आप पहलवान हैं या बाहुबली हैं, लोगों को पीट पाट के पैसा वसूल करते हैं। तो आप देख लेना साउथ डायरेक्शन, अगर आप यही हैं तो फिर साउथ डायरेक्शन को, ताकत को बढ़ाना। और अगर आप पैसे कोई भी काम में इन्वॉल्व नहीं हैं तो आपने क्या करना है, फिर आपने यम की ताकत को कमजोर करना है। और यहां पर किस ग्रह को स्थापित करना है, मंगल का जो ग्रह होता है, मंगल के ग्रह को शांत करने की ताकत केवल और केवल गुरु ग्रह में है। गुरु मंगल को कंट्रोल में रखता है, और अगर किसी के घर में
बार बार एक्सीडेंट होते हैं, बार बार ऑपरेशन हो रहे हैं, वो बात अलग है कि आप साउथ की डायरेक्शन के अंदर जो भी ट्रीटमेंट करेंगे सो करेंगे, पर आपको एक उपाय बताता हूं। आप जो है यमराज का जो मंत्र है, यमराज के मंत्र में गायत्री मंत्र मिक्स करके अगर पढ़ते हैं तो आपको वैसे भी लाभ मिल जाता है, नहीं तो गुरु मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो भी लाभ मिल जाता है। इसीलिए महानारायण उपनिषद में गुरु को जीव कहा गया है, जान देने वाला, जान डालने वाला, आपको बचाने वाला, आपकी आयु का रक्षक। आकाश तत्व है ना गुरु के पास, आकाश तत्व का मतलब है वो आपकी सोल, माइंड और बॉडी को बांध के रखता है। आकाश तत्व, आकाश तत्व आपकी सोल, आपकी बॉडी और माइंड को बांध करके रखता है। इसीलिए गुरु का जब तक प्रभाव अच्छा रहेगा वो कोई मौत नहीं होने देगा, वो एक्सीडेंट से भी बचाव कर लेगा। इसीलिए अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करके रखें। स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, चार चीजें इसकी सिग्निफिकेटर हैं गुरु की। गुरु स्वयं गुरु यानी जो आपके गुरु हैं, पीपल का पेड़, ब्राह्मण और मंदिर, मंदिर की जगह आप धर्म स्थान भी कह सकते हैं, कोई भी धर्म स्थान, ये चार चीजें बृहस्पति की सिग्निफिकेटर हैं, यानी गुरु की सिग्निफिकेटर है। इनका अपमान ना करें, इनके साथ दुराग्रह ना करें, इनको समाप्त ना करें, आपका गुरु की पावर बढ़ेगी। गुरु मंत्र तो कर ही सकते हैं, इमीडिएट कोई गुरु हैं तो आप ओम गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। अगर परम गुरु यानी गुरु के भी गुरु हैं कोई तो ओम परम गुरुभ्यो नमः इसका जाप कर सकते हैं, नहीं तो परमेष्ठी गुरु भगवान शिव स्वयं है, भगवान शिव को भी आप गुरु मान करके आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। परंतु आपको फिर मंत्र जो है ओम परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः करना पड़ेगा, और नहीं तो ओम नमः शिवाय, ईशान दिशा का मंत्र है ये, ओम नमः शिवाय। इस ओम नमः शिवाय से भी ईशान प्रसन्न होते हैं, यानी कि गुरु का बलाबल बढ़ता है। जितने भी मिरेकल, एडवांस मिरेकल वास्तु के जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सर्वप्रथम उनको बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और हम 2020 के का ये लास्ट सेशन कर रहे हैं, और मैं कमल जी को भी बड़ा साधुवाद देना चाहता हूँ कि कमल जी ने अपने भरसक प्रयासों से, बड़ी मेहनत से एडवांस मिरेकल वास्तु के कोर्स को कराया, और वो उस कार्य में बड़े सफल हुए, तो इसके लिए कमल जी वास्तव में साधुवाद के हकदार हैं। और आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने सहयोग दिया कमल जी को सक्सेसफुली अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, और मेरे हृदय का आशीर्वाद है कि नया वर्ष 2020 से ज्यादा उत्तम साबित हो। उत्तम तो 2020 भी हुआ है साबित, सबने कमाया है, बस किसी ने बताया नहीं है। फिर 2021 में बताएंगे, नहीं नहीं इतना बुरा नहीं था जितना हमने हल्ला मचाया, पर चलो 2021 में अपनी बात को बताएंगे। तो अभी तक जो है आज 27 तारीख हुई है, तो अभी 3 दिन 4 दिन अभी और शांत रहेंगे, पर 2021 निश्चित रूप से आप सभी के लिए
और पूरे हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। हमें ये राहु का वर्ष था, और मैं अक्सर हंसते हुए एक बात कहता हूं, शनि हमें अनुभवी बनाता है परंतु राहु तो हमें महाअनुभवी बनाता है। इसने महाअनुभव दिए, इसने नई नई खोज दी, इसने नए नए तरीके दिए। हर इंसान ने जो एक ही धर्रे पर चल रहा था, एक रूपी जीवन जी रहा था, उसने नई नई इन्वेंशंस की है, नए नए रास्ते अपनाए हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और इस खोज ने हमारे एस्ट्रो पाठशाला को एक नया आयाम दिया है कि हम ऑनलाइन आ गए और आप जैसे अच्छे लोगों से एक मुलाकात हुई, और हम देश तक नहीं, हम विदेश तक पहुंचे हैं। तदा फातिमा जो कनाडा से, एक एनी खान जो अमेरिका से, और एक डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़े, बहुत लोग हैं जो बाहर से हमारे साथ जुड़े, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जुड़े जिन्होंने हमारे एस्ट्रो पाठशाला में कोर्स किया। मैं परमेश्वर की कृपा मानता हूं कि कमाल है, कोरोना तो दिया साथ में एक रास्ता भी दिया। हाँ, डराया कुछ ज्यादा इसने, ये मैं मानता हूं, डराया नहीं, हम डरे कुछ ज्यादा। एक हरियाणा ही था जो डरा नहीं, बाकी तो सब डरे, कोई बात नहीं, परंतु अब डर खत्म हो गया है ऐसा हम सबको लगता है। अब वैक्सीन आ रही है, इतनी बात सुनते तो हिंदुस्तान का आदमी कौन किसकी परवाह करता है, कौन कोरोना और कौन कोरोना का बाप। अब जब सारे कह रहे हैं ना वो आ गया, अब कोई नहीं डरने वाला, जब कोई आ जाओ। तो 2021 में आप सभी के लिए नई दिशाएं, नई आशाएं, नई तरंगे और न्यू लर्निंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आज का सबक क्या हुआ, अर्निंग बाय लर्निंग। बुध ग्रह ऑलवेज रिमेंबर, कुबेर वहीं बैठे हैं, ध्यान रखना धन के ऊपर कब्जा करके। धन जब ही देंगे आपको जब लर्निंग करोगे, बिना लर्निंग धन नहीं आना, ये ध्यान रखना। अपनी इस लर्निंग को बनाए रखना है, इससे पीछे नहीं हटना है। सबसे बेस्ट कोर्स और सबसे कम रेट में और सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा बढ़िया एक्सपर्ट टीचर आपको एस्ट्रो पाठशाला प्रोवाइड कर रहा है। आप चाहे आपने कोई कोर्स किया, हमारे एक भी स्टूडेंट्स को कभी भी ना उम्मीदी नहीं मिली है। और किसी ने मेरे पास पर्सनल अगर कोई मैसेज डाल दिया तो उसका समाधान तुरंत करने का मैंने प्रयास किया है, और ये प्रयास हम और ज्यादा बढ़ाएंगे, ऐसा मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। और फिर से एक बार एडवांस मिरेकल वास्तु के सभी स्टूडेंट को हृदय से आशीर्वाद, और आप बहुत अच्छे वास्तु शास्त्री बने, न्यूमरोलॉजिस्ट वालों को बड़े अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बने, आप लोगों को हम मार्केट में सूर्य की तरह उदयमान होता देखना चाहते। लोग हमें याद करें कि तुमने वास्तविक ज्योतिषी बनाए, तुमने ये पोंगा पंडित तैयार नहीं किया मार्केट के अंदर, ये कैंची छुरे लेकर घूमने वाले तैयार नहीं करे हैं तुमने, तुमने रियल ज्योतिषी तैयार किए। इसीलिए हम डिवाइन साइंस के साथ चलते हैं, इसीलिए मैं शास्त्रों का, उपनिषदों का और पुराणों का उल्लेख करता हूं, और बिल्कुल ट्रेडिशनल ज्योतिषी की तरह मैं आपसे बात करता हूं। हम लोग आपसे बिल्कुल भी उस तरह से बात नहीं करते, ताकि हम चाहते हैं आप सोल लेवल के एस्ट्रोलॉजर बनो, बॉडी लेवल के भी नहीं, सोल लेवल के एस्ट्रोलॉजर बनना है आपको, ये आप टारगेट रखिए। आत्मिक लेवल का आपने, आध्यात्मिक लेवल का आपने ज्योतिषाचार्य बनना है। आपका विषय कोई हो, चाहे आप केपी के मास्टर हो, चाहे आप जेमिनी के मास्टर हो, चाहे आप लाल किताब के मास्टर हो, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप बनना सोल लेवल का एस्ट्रोलॉजर है, कम नहीं रहना, ये ध्यान रखना। बॉडी लेवल का भी नहीं बनना, ये हमें पसंद नहीं है बॉडी लेवल कि आया कोई निपटा दिया कर दिया, वो नहीं भाई, अच्छा अच्छा ये नहीं, ये बता दो, यहां से निकल लो, वहां से भाग लो, इधर से कर लो, ना 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 ना, वो चक्कर पसंद नहीं। कमर्शियल तो बिल्कुल मत बनना, अच्छा ये नहीं तो ये ले जा, ये नहीं तो ये ले जा, नहीं धागा तो ले ही जा यार, ये तो मैं 100 रुपए भी दे रहा हूं, ये नहीं बनना। लाल चंदन वाला, काले टिक्के वाला, पीले टिक्के वाला, गायत्री उपासक, काली उपासक, अरे भाई ये ढोंगी है, ये लोग
ध्यान रखना, जो लोग अपने आराध्य देवता की फोटो, साधना करते हुए की फोटो, या लिखवा देते हैं कि मैं फलाने का उपासक, समझ लेना एक नंबर के ढोंगी है। इनको कोई ज्योतिष नहीं आता। ज्योतिष प्रवेश ही नहीं करता ऐसे लोगों के शरीर में, ऐसे लोगों की आत्मा में, ऐसे लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश कैसे कर सकता है? पराशर ऋषि कैसे इजाजत दे देंगे कि पराशरी उनके अंदर प्रवेश कर जाए? ये डिवाइन साइंस है मेरे भाई। कई लोग दिमाग लगाते रहते हैं, ये दिमाग का खेल है ही नहीं, ये हृदय का खेल है, ये आत्मा का खेल है, और आत्मा सत्य है। ये तो लिए तो उसको जन्म कुंडली में प्रथम स्थान मिला है, फर्स्ट हाउस लगन, और लगन क्राउन ऑफ द हाउस है, यानी वो आपका सिंहासन है, और सिंहासन पर आत्मा है। आत्मा ही तो सत्य है, बाकी तो सब नश्वर है। हम तो इस शरीर में एक ट्रैवलर की तरह आए हैं, कुछ समय बिताएंगे और चले जाएंगे इस धरती लोक से, पर लोग हमारे कर्मों को याद रखेंगे, लोग याद नहीं रखेंगे। आपकी आत्मा अपने साथ से दो ही चीजें लेके जाएंगी, एक कर्म और एक संस्कार, और यही आगे यात्रा करने वाले हैं, आपके कर्मास और आपके संस्कार। संस्कार वही है जो आप यहां से सीख के जाओगे, आपकी लर्निंग या आपके संस्कार है। आप इस संसार से कैसे रिएक्ट करते हैं, आप इस संसार को देके क्या जाओगे, रोज सोचिए क्या देके जाओगे। गीवर बनना है, गीवर, लेना नहीं है, देने वाला। हाथ को हमेशा यूं रखना है, यूं नहीं रखना, ना ना ना, भिखारी बनने नहीं आए, देने वाला बनना है। और एस्ट्रो पाठशाला के हर स्टूडेंट्स को मैं राजा देखना चाहता हूं, जिसके पास देने का सामर्थ्य। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैंने कहा ये शब्द तो मैं पिछले 12 सालों से सुन रहा हूं, बस एक ही चीज है इसके पीछे। आज मैं आपको रहस्य बताता हूं कि मेरा एक सूत्र है, एक रुपया लिया है तो सवा रुपये लौटाना है। और जब मैं पढ़ाता हूं तो दिल को कहता हूं किसी चीज को रोक मत लेना, जो मैंने सीखा है वो शब्द अटकने नहीं चाहिए, वो धड़ाधड़ निकलने चाहिए, वो धड़ाधड़ जो भी मेरी लर्निंग्स है वो सभी के लिए है। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हर रोज नई लर्निंग्स आए। जब भी मैं आपके सामने बैठूं, पुराने स्टूडेंट्स के सामने बैठूं, तो पुराने स्टूडेंट्स के यहां नया सीखा है आज, ये कुछ नया है, यही मेरा सूत्र है। और इन्हीं सूत्रों को पकड़ना बस आप। जब भी आप टीचर बने, उत्तम श्रेणी के बनने चाहिए। आप ज्योतिषाचार्य बने, उत्तम श्रेणी के बनने चाहिए। ऐसा ही मेरा हृदय का आशीर्वाद है। और ब्राह्मण हूं, आशीर्वाद ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा तो क्या। और आप लोगों को सिखाया है, आप लोगों को पढ़ाया है, बस दिल से यही दुआ करता हूं आप अच्छे इंसान बने, आप अच्छे ज्योतिषाचार्य बने, और इस संसार को कुछ दे के जाए। बारंबार प्रणाम गुरुजी, आपको बारंबार प्रणाम। गुरुजी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नामे पे 42 लोग आ गए। कमल सर प्रणाम, कमल सर को भी प्रणाम। कमल सर प्रणाम गुरुजी, और आपका भी। कमल सर दो शब्द चाहिए। कमल जी का तो ये सारा कारनामा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसके कारण मुझे आने का मौका मिला, अवसर मिला है। सुनील सर, चलिए चलिए, आप व्हाट्सएप पे जरूर डालिएगा। थैंक यू, ऑसम। आज का तो आज सभी स्टूडेंट्स ने आज दब के लिखना है कमल जी के ग्रुप में। आज तो बहुत ही सुंदर, बहुत बेहतरीन, खूबसूरत, सबसे शानदार सेशन रहा, सबसे शानदार। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट्सएप पे लिखिए, व्हाट्सएप पे हमें। थैंक यू सर, नाम गुरु जी। सुनील सर, थैंक यू। सुनील सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रणाम गुरु जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।